दुनिया में ई कॉमर्स ने काफी तेजी दिखाई है, तो इसमें नेपाल पीछे कैसे हट सकता है? क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद से ही ई कॉमर्स और इंटरनेट पर तमाम सुविधाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग उन पर ज्यादा मूव करने लगे हैं। तो इस पर अब नेपाल ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवम और आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के कुछ रेगुलेशंस की, जिसको अब नेपाल की सरकार लाने वाली है। ये रेगुलेशन आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स या फिर इंटरनेट से कुछ भी खरीदते हैं नेपाल में, तो उससे आपके क्या अधिकार रहेंगे, अब उसके लिए एक लॉ बनाया गया है, जिसे अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति से इस पर साइन कराया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल में इंटरनेट में बहुत तेजी से क्रांति आई है 2020 में ही, जब से लॉकडाउन हुआ है। आपको बता दें कि मिले हुए डेटा के अनुसार करीबन नेपाल के 78% लोगों तक इंटरनेट की सेवा पहुंच चुकी है, और 2020 में ही इसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ था, जिसके चलते नेपाल में ई कॉमर्स का भी काफी तेजी से विस्तार हुआ। और अभी की बात करें तो नेपाल में ई कॉमर्स का विस्तार होना बस शुरू ही हुआ है, तो इसके चलते आप लोगों और कई और जनता के साथ बहुत तरीके के स्कैम भी हो सकते हैं, जिसके चलते अब इस पर स्पष्ट कानून और निर्देश तैयार कर लिए गए हैं, जो कि अब जल्द ही लागू भी होंगे। जी हाँ, इन कानूनों के जरिए हम कस्टमर यानी कि खरीदारों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, साथ ही साथ अपनी खरीद पर स्पष्टता भी मिलेगी, और ये चीजें आप लोगों को इफेक्ट जरूर करने वाली हैं, साथ ही साथ आपका ई कॉमर्स के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। अब जो ये नया बिल है, इसमें बहुत सारी कस्टमर्स से रिलेटेड चीजों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, तो इस पर हम एक एक करके बात करेंगे, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए नेपाल ई कॉमर्स। तो चलिए मैं बताता हूँ कुछ की फैक्टर्स जो कि इस बिल के मेन है और ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है वो ये है कि ऑर्डर विल बी डीम्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप कोई भी चीज की खरीद करते हैं जिस भी वेबसाइट से, तो उसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, यानी कि एक लीगल दस्तावेज की तरह देखा जाएगा, जिसके जरिए सेलर को यानी कि जो बेच रहा है उसको वो चीज कस्टमर तक पहुंचानी ही पड़ेगी, और इसकी ड्यूटी हो जाएगी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर और उस सेलर के बीच में, यानी कि हम लोग और उसके बीच में। तो ये एक अच्छा कदम है, और ये चीज लिखी इस ऑर्डर के सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में। और दूसरा राइट जो आपको मिलेगा वो है राइट टू कैंसिलेशन, ये दिया हुआ सेक्शन 7 के सब सेक्शन 3 में। इसके जरिए बताया गया है कि कस्टमर अपने ऑर्डर को कभी भी कैंसिल कर सकता है जब तक वो ऑर्डर कस्टमर तक नहीं पहुंचा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक लीगल राइट देता है कि आपको ऑर्डर कैंसिलेशन पे लीगल राइट होगा। तो तीसरी चीज है वो ये है कि आपके ऑर्डर कैंसिलेशन पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जी हाँ, और ये लिखा है सेक्शन 7 के सब सेक्शन 4 में। तो इसके जरिए अगर आपने ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को आपने कैंसिल कर दिया है आप तक डिलीवर होने से पहले, और अगर आपने उसका पेमेंट भी किया हुआ है पहले से, तो उस सेलर को फिर भी उस ऑर्डर के कैंसिलेशन पर सारे रुपए पाई पाई आपको चुकाने ही पड़ेंगे, और ये आपका लीगल अधिकार बन चुका है कि उस सेलर को कैंसिलेशन पर पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे ऑर्डर प्रीपेड हो या फिर पे ऑन डिलीवरी हो। साथ ही चौथे की पॉइंट की बात करें, जो कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में है, उसमें लिखा है कि कस्टमर कैन पे बाय यूजिंग एनी मोड, यानी कि आप किसी भी जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप कैश कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या फिर चेक के थ्रू, यानी किसी भी पेमेंट मेथड के जरिए आप ऑर्डर को पे कर सकते हैं, और ये सेलर्स को अपनी वेबसाइट्स पर पेमेंट मेथड रखने पड़ेंगे अगर वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्योंकि अब ये एक राइट बन रहा है आपके लिए। पांचवा की पॉइंट है कि आपके द्वारा किए गए ऑर्डर को एक फिक्स प्लेस पर पहुंचाना उस सेलर की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ उसे टाइम पर भी पहुंचाना उस सेलर की जिम्मेदारी होगी, और अगर वो ऑर्डर उस जगह नहीं पहुंचता है तो उस सेलर की ही जिम्मेदारी है, कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचता तो आपको रिफंड उसे करना पड़ेगा, पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो ये लॉ कहीं ना कहीं आप लोगों को सहूलियत और ज्यादा देगा, क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार बन गया है। पहले भी इन सेलर्स इन चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक कोई भी ई कॉमर्स का लॉ नहीं था, लेकिन अब सेलर्स की ड्यूटी बन जाएगी कि ये सब चीजों को फॉलो किया जाए। छठा की पॉइंट है इस ऑर्डर के सेक्शन 11A का, जिसके तहत वेबसाइट्स को अपने गुड और सर्विसेज को डिलीवरेबल बनाना होगा कस्टमर तक, यानी कि जो गुड और सर्विसेज उसकी वेबसाइट पर है
तो उसे हर जगह पर डिलीवरेबल भी बनाना पड़ेगा। सातवां की पॉइंट है रिप्लेसमेंट और रिफंड से रिलेटेड, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 11B में। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी गुड आप तक डिलीवर किया जाएगा, अगर वो डिफेक्टिव यानी कि खराब होता है या फिर अगर वो टूटा फूटा होता है, तो उसे रिप्लेस करना ही पड़ेगा, उसे बदलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बदला जाता है तो उस ऑर्डर के सारे पैसे कस्टमर को देने ही पड़ेंगे। यानी कि अब ये लॉ है कि आपको आपका पैसा मिलेगा और कोई भी इंटरनेट की ई कॉमर्स कंपनी आपसे स्कैम नहीं कर सकती एक टूटा फूटा प्रोडक्ट देकर। क्योंकि जैसे ही आपके पास अगर टूटा फूटा प्रोडक्ट आता है तो आप अगर कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं तो उसे कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और आप अगर डिफेक्टिव कह के उसको रिटर्न करते हैं तो सेलर को उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपके साथ इस चीज पर अब स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉ बन चुका है और ये आपका राइट बन चुका है कि आपका प्रोडक्ट आपके पास सेफली पहुंचे। साथ ही जो आठवीं की पॉइंट है वो ये है कि अगर सेलर इन राइट्स और एक्ट्स को नहीं मानता है तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, जो कि 2 लाख से भी ऊपर होगा। तो इसलिए इन सेलर्स को हम लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और हमारे साथ स्कैम करने में इतनी आसानी नहीं होगी अब। साथ ही एक और जो अच्छा पॉइंट है इसमें निकल कर आया है वो है सेक्शन 20 में, वो ये है कि ई कॉमर्स कंपनी को एक कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म भी तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक कंप्लेंट की जगह भी तैयार करनी पड़ेगी जिसके तहत कस्टमर अपनी कंप्लेंट्स कर सके। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है टाइम पर, तो इसके लिए कस्टमर को एक कंप्लेंट फाइल करने की एक जगह जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका सेक्शन 23 ये भी कहता है कि सेलर्स को कस्टमर की कंप्लेंट सुनने के लिए कुछ लोगों को जरूर रखना पड़ेगा जो कि कस्टमर की कंप्लेंट सुने। तो चीजें साफ है कि इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ ई कॉमर्स के जरिए चीटिंग पर काफी ज्यादा रोक लगेगी। साथ ही साथ इससे नेपाल की ई कॉमर्स में भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और इससे हम कस्टमर्स को ही सहूलियत होगी, क्योंकि अब इन ई कॉमर्स कंपनीज को ये सभी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये लॉस कहीं ना कहीं हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे ई कॉमर्स में, और नेपाल में बढ़ते हुए ई कॉमर्स में कहीं ना कहीं ये एक अच्छा योगदान देंगे, क्योंकि दुनिया ई कॉमर्स की तरफ अब मूव कर चुकी है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू अब शॉपिंग आम बात हो चुकी है और इसमें नेपाल कहीं पीछे ना रह जाए। तो ये लॉस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे नेपाल के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉस सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे ये लॉस। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ई कॉमर्स अगर आपको ये लॉस समझ में आए हो और सही लगे हो। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक इसे शेयर जरूर करें, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि उनके राइट्स क्या हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद। NI News।